हाय गाइस, वेलकम बैक टू आश्रम मोटर ब्लॉग। तो गाइस स्वागत है आपका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज का ये मेरा ब्लॉग में गाइस बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ, क्योंकि गाइस मेरे को भी टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोचिंग वोचिंग जाना पड़ रहा था, थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास थी तो ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो गाइस फाइनली आज मेरे को टाइम मिला, तो मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग शूट करते हैं। तो गाइस ये घड़ी बैनम जो कि आप देख सकते हो, तो गाइस आज ले आ रहे हैं अपनी अपन बैनम को बाहर वॉश करवाने, जो कि आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही गंदी हो रही है। क्योंकि गाइस मैं कल इसको शादी में लेके गया था, तो उधर पूरी डस्ट डस्ट थी जो कि पूरी गंदी हो रही है। तो गाइस वैसे तो मैं अपनी बैनम को घर पर ही धो लेता हूँ, मगर गाइस कुछ ज़्यादा ही गंदी हो रही है। आप देख सकते हो उसकी एलॉय व्हील देख सकते हो, पूरा इंजन देख सकते हो, पूरा गंदा हो रहा है। तो मैं घर पर वॉश नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने सोचा चलो इसको बाहर वॉश करवाते हैं। वैसे गाइस मैंने इसको बाहर एक भी बार अपनी बैनम को वॉश नहीं करवाया, घर पर ही वॉश कराया। चलते हैं फिर गाइस अपन इसको वॉश करवाते हैं। वो भैया से अपन है ना बोल देंगे कि इस पर ज़्यादा प्रेशर वॉश नहीं मार रहे हैं, जो कि इस पर नेमिनेशन है, नहीं तो उसका निकलने लगेगा। तो चलते हैं फिर गाइस अपन वहीं वॉश करवाते हैं, आपको दिखाते हैं। Falling in the deep, and I can't fight it. I can't fight it. You wreck my mind. I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need. So don't leave me alone. तो गाइस ये टिक चुकी है अपनी बैनम, जो कि आप देख सकते हो अंकल लेना के बोलते हैं अपने बैनम को धोना चालू करते हैं। प्रेशर बहुत मार चुके हैं अब अंकल लेना के बोलते हैं सरफ से जो भी हो उस चीज़ से अपनी बैनम को साफ कर रहे हैं, देख सकते हो बहुत अच्छे से। और गाइस जी रही अंकल की दुकान, जो कि आप देख सकते हो। और गाइस मैं आपको एंड में पूरा दिखाऊंगा कैसी कि अपनी बैनम धुल जाएगी, और क्या बोलते हैं लास्ट में गाइस अपन इसको है ना क्या बोलते हैं फिनिशिंग के लिए इसमें टूप लगाएंगे। तो गाइस अब अंकल साफ कर रहे हैं अपनी, जो कि आगे के टायर का अलॉय व्हील आप देख सकते हो बहुत अच्छे से, और पीछे का अपना साफ कर दिया है अंकल ने पहले से ही अलॉय व्हील। वही पूरी गाड़ी अब तो नई जैसी चमकने लगी है पहले जैसी, आप तो देख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो फाइनली अपनी बैनम पूरी धुल चुकी है, अंकल है ना प्रेशर वॉश मार के बोलते हैं सरफ या साबुन जो भी था उसको साफ कर रहे हैं पूरी, आप देख सकते हो। और एंड में थोड़ी उसको सुखा देंगे, जैसे कि चलते हुए डस्ट नहीं लगे दोबारा गीली गाड़ी में। तो गाइस देख सकते हो अपनी बैनम है ना क्या बोलते पूरी वॉश हो चुकी है प्रॉपर तरीके से, जो कि आप देख सकते हो। गाइस मैंने दुकान पे से दूसरी जगह अपनी गाड़ी इसलिए लगा ली क्योंकि अंकल दूसरी गाड़ी वॉश करने लगे थे। वो गाइस जे रहा चेन स्प्रे, जो कि आप देख सकते हो। गाइस अपन अपनी करेंगे क्या बोलते चेन में, गाइस वॉश करने के बाद अपन चेन स्प्रे इसलिए करते हैं कि अपनी चेन में जंग नहीं लगे। वो गाइस जे रहा स्प्रे, जो कि इससे थोड़ी और फिनिशिंग आएगी, जो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि अपनी बैनम पर थोड़ी और अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी।
तो गाइज़ आप देख सकते हो मैंने क्या बोलते अपनी पूरी बैनर पे क्या बोलते अच्छे से पॉलिश कर दी है गाइज़, और चेन स्प्रे पे भी अच्छे से स्प्रे कर दी है जो कि अब जंग नहीं लगेगी गाइस। आपको दिखा देता हूँ गाइस पूरी अपनी बैनर अच्छे से बॉस हो गई है। तो गाइज़ अपन अपना ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं।